पौड़ी में एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने रासी मैदान पहुंचकर कई प्रजाति के पौधों का रोपण किया। सौरभ बहुगुणा ने बताया कि कार्यक्रम के समन्वय के रूप में उन्हें पौड़ी जिले का प्रभारी बनाया गया है। इस दौरान उन्होंने अपने दादाजी हेमवती ननंद बहुगुणा की मूर्ति का भी माल्यार्पण किया। हरिद्वार वन विभाग ने हरकी पौड़ी के पास से अंतर्राज्यीय वन्यजीव तस्कर आफताब को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से टीम ने मॉनिटर लिजार्ड के 285 अंग बरामद किए और उस पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। बता दें, मॉनिटर लिजार्ड के अंग तंत्र मंत्र में इस्तेमाल होते हैं। शाजापुर के खुटार के गोला पीलीभीत हाईवे पर रोडवेज बस की टक्कर से गोला कोकड़नाथ जल लेकर जा रहे कांवड़िए की मौत हो गई। गुस्साए कांवड़ियों ने शव को सड़क पर रखकर लखीमपुर पीलीभीत हाईवे जाम कर दिया। रायबरेली के डी थाना क्षेत्र के गोदबरा गांव में प्रधानी चुनावी रंजिश को लेकर दबंगों ने पूर्व प्रधान पर जानलेवा हमला किया, जिसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के बाद लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। गोंडा में पिछले साल की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रीयता को धार देने और आगामी उपचुनाव को लेकर भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसी क्रम में आगामी 13 से 15 अगस्त तक होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भाजपा के जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। भाजपा के अवध क्षेत्र के महामंत्री एस संजय राय को गोंडा जनपद का प्रभारी बनाया गया है, जिसमें संजय राव ने बातचीत में बताया कि हर घर तिरंगा भाजपा और सरकार का लक्ष्य है। मुजफ्फरनगर में भोपा पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 बदमाश घायल हो गए। बदमाशों के पैरों में गोली लगी। वहीं बदमाशों के पास से 4 तमंचे, जिंदा कारतूस, फोन, लूट की गई बाइक और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। घायल बदमाश को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टर इलाज के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद उन्हें सीधे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। ललितपुर के थाना वनपुर निवासी एक युवक मजदूरी करने पनारी गांव में गया था, जहां घर की छत से निकले हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। मजदूर छोटेलाल को आनन फानन में जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जवान युवक की मौत से परिवार में मातम पसरा है और परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्नाव में प्रधान के घर पथराव और फायरिंग का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इससे पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। इस मामले में पुलिस ने 25 नामजद और 20 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है। FIR में शामिल कुख्यात अपराधी का नाम शुभम मिश्रा है। झांसी ग्वालियर राजमार्ग पर ट्रैक्टर ट्राली और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और ट्रैक्टर ट्राली 2 भागों में बट गई। वहीं ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और कार चालक को मामूली चोटें आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल ट्रैक्टर चालक को अस्पताल भिजवाया। बताया जा रहा है कि कार चालक शराब के नशे में था। हापुड़ में लखनऊ की टीम और क्षेत्र अधिकारी नगर ने साइबर क्राइम थाने का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थाने के रिकॉर्ड का बारीकी से निरीक्षण करते हुए थाना प्रभारी को थाने के रिकॉर्ड और अन्य अव्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने और थाना प्रांगण में साफ सफाई और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्नाव में लखनऊ में सीएम आवास के पास महिला द्वारा खुद को आग लगाने के मामले में आत्मदाह के उकसाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले में DCP मध्य रवीना त्यागी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। ये घटना 19BD चौराहे के पास की है। उसके बाद उनको सिविल अस्पताल में एडमिट कराया गया और वर्तमान में वे KGMU में इलाजरत है। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसी क्रम में जो स्थानीय पुलिस है उनके द्वारा जाँच की गई। महिला के मोबाइल फ़ोन में कई अहम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें कई सारी मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो कि जिसमें एक व्यक्ति उनको आत्मदाह के लिए उकसाने का प्रयास कर रहा है। ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं, इससे ज्वलनशील पदार्थ कहाँ से प्राप्त करना है, किस रूप में लेकर के जाना है, आत्मदाह कहाँ करना है, इस संबंध में तमाम बातें उनको बताई जा रही हैं। इसी के क्रम में एक मुकदमा सुसंगत धाराओं में थाना गौतमपल्ली में दर्ज किया गया, जिसके क्रम में एक व्यक्ति जिनका नाम है सुनील कुमार, जो कि उन्नाव के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। सुल्तानपुर में बीती रात स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से छेड़खानी करने के आरोप में फरार चल रहे बदमाश इरफान की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस घटना में इरफान के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पुलिस कार्रवाई में जुट गई है।